स्टार प्लस के शो अनुपमा के लेटेस्ट ट्रैक के अनुसार अनुपमा और वरदान के बीच प्यार देखने को मिला था, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मकर संक्रांति उत्सव में वरदान और अनुपमा के कुछ इमोशनल मोमेंट देखने को मिलेंगे, जहां वरदान अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता है और अनुपमा के साथ फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है। वहीं अनुपमा भी वरदान को इमोशनल देखकर उसे माफ कर देती है, क्योंकि वो शर्मिंदा है और अपनी गलतियों के लिए खुद दोषी मानता है। लेकिन वही अब किंजल वरदान और अनुपमा के बीच पैचअप से खुश नहीं है, क्योंकि वह वरदान के असली इरादों को अच्छी तरह से जानती है। जहां किंजल को यकीन है कि वरदान केवल काव्या से प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए किंजल नहीं चाहती कि वरदान एक बार फिर से अनुपमा के दिल से खेले। इसीलिए किंजल ने कसम खाई है कि वो वरदान और अनुपमा के बढ़ते नजदीकियों को खत्म कर देगी। जहां शॉकिंग ट्विस्ट तब है कि जब किंजल अनुपमा से कहेगी कि उसे वरदान को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि वो उसे प्यार के लायक नहीं है। जहां अनुपमा वरदान से तलाक के बारे में सोचकर ही टूट जाती है, और वहीं अब किंजल अनुपमा को पूरी तरह से सच्चाई की जांच कराकर वनराज के खिलाफ दिखाती है। क्या और वनराज का तलाक हो जाएगा, क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट के सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।